यस, गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स. आज मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 2.3. देखिए, एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले आप जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर. सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास क्लोज़र प्रॉपर्टी. क्लोज़र प्रॉपर्टी, तो क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे कोई हमें होल नंबर दिए हुए हैं और उनका एडिटिव एडिशन करने के बाद भी नंबर जो है होल आता है, तो वो क्या होती है हमारी क्लोज़र प्रॉपर्टी. जैसे कि हमें गिवन है 3 + 5 = 8, तो यहाँ पे बेटा हमें गिवन है होल नंबर 51 + 0 = 51, और ये गिवन है, तो इनका जो एडिटिव करने के बाद भी जो आंसर आ रहा है वो होल नंबर आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज़र प्रॉपर्टी. और ये हमें इस उसमें गिवन है 3 + 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज़र प्रॉपर्टी. और अगर इसी को हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर हम लिख देते हैं 3 × 5, तो ये कहेंगे हम क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. प्लस में दिया है तो क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, और अगर सब्ट्रैक्शन में दिया है तो क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन. ऐसे ही डिवीज़न में अगर हमें 5/11 गिवन है, तो ये क्या होगा? क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन्स. ठीक है, तो ये हमारी होती है क्लोज़र प्रॉपर्टी. यानी कि अगर हमें 2 डिजिट दिए हुए हैं, एडिशन दिए हुए, तो एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ तो मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कुमुलेटिव प्रॉपर्टी. कुमुलेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जिसमें हमें 2 डिजिट गिवन है. जैसे कि हमें गिवन है a + b = b + a, यानी कि 2 फॉर्म इक्वल के पहले भी और इक्वल के बाद भी हमें 2 डिजिट गिवन है, तो ये हमारी होगी कुमुलेटिव प्रॉपर्टी. ये है ऐड वाली. मल्टीप्लाई होगी तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाली होगी तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि ये हमें गिवन है 19 + 11 = 19, दोनों तरफ है ना, तो ये कुमुलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि 2 अक्षरों की है. अब दोनों इक्वल के उधर भी है और इक्वल के इधर भी 2 डिजिट हमें गिवन है. उसके बाद है हमारी एसोसिएट प्रॉपर्टी. एसोसिएट क्या होती है? यानी कि हमारे पास ब्रैकेट्स में, जैसे कि हमारे पास हो सकता है a + b + c, जैसे ये देखो, जैसे 2 + 3 ये ब्रैकेट में बंद है +5, और ऐसे ही 2 + 3 + 5, तो ये हमारी क्या होती है? एसोसिएट प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं. ये है हमारी एडिशन के लिए. ऐसे ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे 5 × 3 × 4, ठीक है, जैसे कि 5 × 3 × 4, तो ये हमारी है मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है, ऐसे ही आप अगर करो. आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं? a + 0 + 0 + a = a, तो ये हमारी होती है, यानी कि 3 3 अब उसमें हो गई. a + 0 कर रहे हैं = 0 + a = a, यानी कि सब इक्वल आ रहे हैं. प्लस प्लस कर रहे हैं हम 3 बार आइडेंटिटी एलिमेंट में. ठीक है, तो ये हमारी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशंस. ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई में करें हम, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा इसके बीच में, इज़ इक्वल टू, तब 2 टाइम्स है हमारे पास. ठीक है, तो ये हमारी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट. तो बेटा ये आपको पता होनी चाहिए, क्या क्लोज़र प्रॉपर्टी है, क्या कुमुलेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव, और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. अब आप एक्सरसाइज देखिए 2.3. मेरे फ़ोन में कुछ गूगल मीट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है बेटा, इसलिए मैं आपको आज की आपकी क्लास नहीं ले पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ एक्सरसाइज 2.3 की. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. 2 होल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई विद देमसेल्व्स गिव द सेम नंबर. तो आप खुद सोचो, ऐसे कौन से होल नंबर होते हैं जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर वही आता है, तो दैट इज़ ओनली 0 and 1. ओके, नेक्स्ट है डैश इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर. मैंने आपको बताया एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो वो 0 ही है जो बिल्कुल सेम आता जाएगा. नेक्स्ट है डैश इज़ द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी. और एक होता है अगर हम मल्टीप्लाई 1 1 1 कर रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी में, वही लास्ट वाले में जो मैंने आपको बताया, तो वो 1 ही है. ओके, नेक्स्ट है हमारा अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो बेटा हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते. अगर हमें 0 को 1 से डिवाइड करना होता फिर हमारा आंसर 0 आ जाता, लेकिन अब हमें क्या करना है, 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो आई कांट डिफाइन इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आप सोल्व करके देखोगे कि ये इक्वल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है. इस क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 827 + 577 इज़ ए होल नंबर. तो बता रहे हैं कि आप बताओ प्रॉपर्टी कौन सी है. तो मैंने आपको सबसे पहली वाली बताई थी, ये सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी होती है हमारी, जिसमें सिर्फ हमें 2 ही दिए हुए हैं, वो प्लस का निशान है बीच में, तो वो क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट है 12 × 13
इज इक्वल टू 13 × 12, तो ये कुमलेटिव 4 मल्टीप्लीकेशन होते हैं। आप देखो इसमें दो डिजिट आ गए हैं, इसलिए ये कुमलेटिव है, कुमिटेटिव ऑफ 4 मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास 19 × 18 × 23, तो देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें दो डिजिट तो है ही है, एक और डिजिट भी है, जब तीन डिजिट आ जाते हैं तो वो हो जाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये कौन सी वाली है, इसमें ऐड तो नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है। उसके बाद है 13 प्लस, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ऐड वाली है, तो एसोसिएटिव 4 एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है देखो, अब इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, चार चार डिजिट भी हैं, तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, बिल्कुल बेटा सिंपल है, आप ये कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको PDF भी सेंड करूँगी। आई विल सेंडिंग PDF ऑफ होल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए सुटेबल रीअरेंजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 × 1932 × 50। तो आप क्या करो, पहले जो छोटे वाले हैं, जो स्मॉलेस्ट डिजिट हैं, उनको मल्टीप्लाई आप पहले कर दो। तो आप 2 को उठा लो और 50 को उठा लो, 2 × 50 इज इक्वल टू 100। फिर आप क्या करो, अब 100 आ गया, इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई, 100। अब आप 100 को इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 125 × 931 × 8। तो पहले आप क्या करो, जो छोटे वाले हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। 125 × 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमारे पास 1000 आ रहा है, तो 1000 × 931 की मल्टीप्लाई आप करोगे, दैट इज इक्वल टू 931000, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 125 को 931 से मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर इसके आंसर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि छोटों की मल्टीप्लाई आप पहले कर दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करोगे और बी पार्ट भी आप अब खुद करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए फॉलोइंग। सिर्फ हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो ये इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं हमारे पास। जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, दो तरीकों से मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो आप ध्यान से, पहले हमें गिवन है 392 × 15 प्लस करना है 392 × 5 में। तो आपके दो तरीके हैं इसके, या तो आप 392 को 15 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद ये आ गया, और इन दोनों को प्लस कर दो। या फिर बेटा आप क्या करो, आप क्या करो, इन दोनों में से 392 को कॉमन ले लो। अगर हम यहाँ से 392 को कॉमन ले लेते हैं, बीच में प्लस का निशान है, 392 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 15 बच गया, और यहाँ से कॉमन ले लिया क्या बच गया, 5 बच गया, और यहाँ पे प्लस का निशान है, तो हम क्या करेंगे, 392 15 + 5, ओके। तो 392 ये 20 आ गया, और इसको फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही हमारे जो हैं क्वेश्चन ठीक हैं ये, लेकिन आपके लिए ईजी कौन सा है, ये वाला मेथड, ओके। तो आप सभी क्वेश्चन में कौन सा करोगे, ये वाला मेथड आप अडॉप्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको ये भी करके दिखाया हुआ है, 7235 × 127 करना है उसमें से इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करो, दो अलग अलग दिए हुए हैं, बीच में माइनस है, तो आप इसमें से 7235 को कॉमन ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया हमारा, 127, और यहाँ पे क्या रहे, माइनस का निशान एज इट इज चलेगा, और यहाँ पे क्या रह गया, 27। तो 127 − 27 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 100, और 100 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वी विल गेट 7,23,500। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 × 33 + 33 × 66 + 33। अब देखो इसमें हमें तीन दिए हुए हैं, प्लस का निशान यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आप क्या करो, सभी में देख रहे हो आप 33 कॉमन है, तो आप 33 को कॉमन ले लीजिए। अब 33 कॉमन लेने के बाद पहले वाले में क्या बचा हमारे पास, 33 बचा, प्लस करेंगे, इसमें क्या बचा, 66, और इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 तो होता ही है। तो आप क्या करोगे, अब 33 प्लस आ जाएगा ये 100, ओके। तो 3300, दैट इज़ अवर आंसर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जो बी पार्ट है, मैंने आपको ए वाला सारा पार्ट करा दिया, बी पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। बेटा इन्होंने लिखा है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़।
सुटेबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, देखिए ज़रा एक क्वेश्चन। सुटेबल प्रॉपर्टी जैसे हमें दिया हुआ है 334 इंटू 102 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसमें देखोगे जब भी आपको ऐसा कोई डिजिट गिवन होगा जो 100 के पास होगा, 1000 के पास होगा, तो आप क्या करोगे उसके आप टुकड़े कर लोगे बेटा। देखो 334 इंटू 100 प्लस 2, अब क्या किया आपने, 334 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 332 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अलग अलग मल्टीप्लाई करके देखो आपके लिए कितना इजी हो गया। वैसे आपको 334 को 102 से आप मल्टीप्लाई करते कितना टफ होता, अब क्या हो गया आपके पास, 334 को ये मल्टीप्लाई करके आया 100 से, और ये दोनों को फिर ऐड कर दो, ये आप आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे क्योंकि वो बिल्कुल सेम है बेटा। देखिए 106 से है, अब मैंने आपको एक 1005 वाला भी सोल्व करके दिखाया हुआ है, वो देखिए ज़रा। 332 इंटू 1005, जब आपको ऐसी कोई भी डिजिट दिखाई दे तो आप क्या करोगे, 1000 प्लस 5 कर लोगे आप। फिर आपको 342 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 342 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया हमारे पास, ये आंसर आया, ये आप इसको ऐड करके आपको ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो बी क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करोगे। अब देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट। तो इन्होंने भी लिखा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है हमें और लार्जेस्ट 2 डिजिट की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे 999। उसके बाद एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, दैट इज 99। तो हम दोनों को हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। और इन्होंने लिखा है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, चाहे तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो चाहे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो आप क्या करोगे 900 को आप क्या कर लोगे, 100 - 1 कर लोगे, फिर भी हमारा वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 999 को आप 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, और यहाँ पे आप लिख दोगे -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद -999, फिर आप माइनस करके इसका आंसर लिख दोगे। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो फोर्थ का बी पार्ट है वो सेम है, वो मैं आपको वो ये आप खुद से ट्राई करोगे। और क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th और 8th क्वेश्चन की कल मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगी बेटा, ठीक है, सॉल्व करके मैं इनकी फ़ोटो आपको सेंड कर दूंगी। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।